दीदी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन परिचय है, वो आप लोगों को जरूर बताऊं कि कौन कौन से अचीवमेंट है जो बाबा ने ऐसे निमित्त आत्माओं को चुना। बहुत सिलेक्टिव बाबा है, हर जगह से बहुत सिलेक्टिव लोगों को, कुछ लोगों को चुन रहा है, और चुनने का पीछे का जो पूरा कारण है वो भी आज आपको समझ में आएगा। हमारी जो दीदी गीता दीदी हैं, बेसिकली अगर आप करें तो बहुत जो आप अगर कहेंगे तो ज्ञान में आप जो हैं 1989 में लगभग बहुत कम उम्र में आप दादी प्रकाश मोड़ी के कांटेक्ट में आई, और 1992 में आपने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया इस ज्ञान में कि अब केवल एक काम करना है, वो आध्यात्मिकता को हर जगह पहुंचाना है और उस बाबा के ज्ञान को करना है। तो 1992 से जो सब लोग अलग अपने करियर को चुनते हैं, आपको समझ में आया कि वो नहीं चुनना जो सब चुनते हैं, कुछ अलग चुनना है। और बाबा की जो प्रेरणा है वो हमारी गीता दीदी को महसूस हुई, और उन्होंने 1992 से इस सेवा में फॉर्मली औपचारिक रूप से अपने को समर्पित किया। ऐसी भाग्यशाली दीदी के लिए हम लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे। सौ कुमारियों में सेलेक्ट किया, जी, जी जी हाँ, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप पहुंची तो 100 में से आप में से एक को चुना की बात कही कि प्रकाश मोड़ी दादी ने चुना, इसलिए ये विशेषता की बात है। 100 में से एक चुनना मतलब रतन चुनना। तालियां बजाइए इस बात के लिए। आपकी जो विशेषता रही है, बेसिकली इंडियन एंड फॉरेन डेलीगेट जो होते हैं, जो लोग आते हैं हेडक्वार्टर्स में, उनको ट्रेनिंग जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताना। 4,000 से 5,000 जो डेलीगेट्स हैं शांतिवन कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे आपका जो लगातार प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल नॉलेज की, वो लगातार देती रही हैं आप। आपकी जो स्पेशलिटी है, अगर आपकी बात करें एज ए फॉर्मल नॉलेज, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय द इंस्टीट्यूशन। देश में जो फाइनेंशियल ऑडिट की बात आती है, जो फाइनेंशियल है, उसको आप अपनी निगरानी में देखती रही हैं। तो यानी कि आपकी स्पेशलिटी बाबा ने यूज करी है अलग अलग जगह पे, जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उसके लिए आपकी स्पेशलिटी बाबा यूज कर रहे हैं अपने जगह पे जहां जहां पे जरूरत पड़ रही है। तो एक दूसरी विशेषता, हर विशेषताओं में हम लोग तालियां बजाएंगे। आपकी 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 इंग्लिश की नॉलेज और हिंदी दोनों में आप बहुत अच्छी तरह से परिपक्व हैं, और बहुत अच्छी तरह से दोनों भाषा का यूज कर सकती हैं जरूरत पड़ने पे। बहुत सारे जो कंट्रीज हैं आपने विजिट करी है 2006 में, कुछ में कंट्रीज 2006 में आपने विजिट लंदन को किया, ऑस्ट्रेलिया पे, सिंगापुर, मलेशिया में आपने अपने स्पिरिचुअल और एक्सपीरियंस को शेयर किया। 2014 पे आपने यूएसए पे लगभग गॉडवी सर्विसेज में बैंकॉक, दुबई और मस्कट में दिया। 2016 विजिटेड अराउंड 20, आपने 20 कंट्रीज के लिए यूरोप में विजिट किया। 2017 में रसिया, चाइना, इंडोनेशिया, एक बहुत बड़ी लिस्ट है कंट्रीज की, इन सब कंट्रीज में आप एक प्रकाश मोड़ी दादी का चुनना रतन को और कितनी देशों में उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए चुना। तो यानी कि वो पार की नजर बाबा की भी थी और दादी की पड़ गई, उन सारी कंट्रीज की आत्माओं को ऐसा कांटेक्ट और ऐसा एहसास हुआ, जिन सबको ज्ञान मिला, उस सारी आत्माएं कितना महसूस करा होगा उन्होंने, कितना विशेष तौर से बाबा की प्रोग्रामिंग देखिए, प्लानिंग देखिए, चुनता भी है तो विशेष आत्माओं को इतनी जगह सेवाओं देने की चुनता है। आज हम लोग ये महसूस कर सकते हैं, हमारे साथ वो दीदी जो इतने सारे कंट्रीज में होकर के आई हैं, वो हमारे सामने बैठी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे फिर से। खासतौर से जब वुमेन अवार्ड की बात आती है, वैसे बाबा ने सब इसको मातृशक्ति को ही पूरा कलश दिया है, तो आपको न्यू दिल्ली से 11th वुमेन नेशनल एक्सलेंस अवार्ड जो 2013 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक महिला को 11वां उत्कृष्टता अवार्ड मिला हो, और बहुत बड़ी बात है। और हमारे स्पिरिचुअल जब परिवार से कोई चुना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो और भी सीना होगा, गर्व से ऊंचा होता है। हमारी दीदी ऐसे साथ में हमारे हैं, तालियों में बहुत दम होनी चाहिए, बहुत ताकत। आपकी आपकी जो ट्रेनिंग है, आपने जो ट्रेनिंग दी है डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जो मैंने जो कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको उन्होंने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे दिए हैं। ट्रेनिंग स्ट्रेस फ्री लिविंग, आज आप देख रहे हैं एक मानसिक बीमारियों का सभी लोग शिकार हो रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं नौकरियां छूट रही हैं। आपने स्ट्रेस फ्री लिविंग
के लिए बहुत सारी क्लासेस करी हैं। सीआरपीएफ बीएसएफ एंड टीबीटी पुलिस कमिश्नरेट एंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल स्टाफ में भुवनेश्वर में भी आपने बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन तेजपुर तेंगा तेवांग तेजपुर में सभी जगह पे बहुत अच्छी अपनी क्लासेस करी हैं। गवर्नमेंट जितनी भी ये सेना है या पुलिस कमिश्नरेट है जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं जिनके लिए निर्णय लेना आसान नहीं होता है, आपकी क्लासेस वहाँ पे भी लगातार चली हैं और उनको भी बहुत फायदेमंद रही हैं ये क्लासेस। गवर्नमेंट्स के जो भी ऑफिसर्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में वहाँ पे भी आपने क्लासेस लगातार अपनी ली हैं, इसके लिए जोरदार तालियां हम दीदी की बजाएंगे। दीदी ने जो सब्जेक्ट एड्रेस किए हैं अपने पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नयापन मुझे दिखाई दिया, उस पर मैं ले जाऊंगा और दीदी से बाद में गुजारिश भी करूंगा हम लोग उन क्लासेस में थोड़ा सा जरूर आपसे जाएंगे। आपके पास टाइम की कमी भी है इसीलिए मैं उसको एंड करके दीदी से कहूंगा उन क्लासेस के बारे में जरूर थोड़ा सा बताइए। सब्जेक्ट बहुत अच्छे रहे, इंटरेस्टिंग रहे, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग तो हम लोग बहुत सुनते हैं बट दीदी पहले क्लियरिटी के साथ बताती है कि पहले आपको समझना पड़ेगा पॉजिटिव थिंकिंग क्या है विद एग्जाम्पल्स। क्रिएटिव मेडिटेशन, मेडिटेशन तो रोज करते हम लोग हैं बट नयापन उसमें कैसे लाएं, कौन सी चीज उसमें जोड़ें, दीदी का ये एक स्पेशलिटी है। अचीव सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, बिना दबाव के भी अपने काम कैसे कर सकते हैं, परेशानी है इस सब्जेक्ट में आपने क्लासेस कराई हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, चिंता बनती बढ़ती चली आ रही है, रोज नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है, परेशान हो रहा है, ये लगातार चल रहा है, युद्ध के बाद में भी बहुत होगी नौकरियां, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। विन एंगर थ्रू मेडिटेशन, कॉल ऑफ टाइम साइकिल टू ओवरकम निगेटिव थिंकिंग एंड लीड ए पॉजिटिव लाइफ, ये सारे जो सब्जेक्ट थे बहुत इंटरेस्टिंग थे। बी ए मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ बाय नोइंग डेप्थ ऑफ कर्मा, इम्पावरिंग योर लाइफ थ्रू स्पिरिचुअल पावर, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी डेली लाइफ में जो कर रहे हैं उसको कैसे विन करें, कैसे नए मैथड्स को अपनाएं, इन बातों की जो क्लासेस हैं क्रिएटिव मेडिटेशन ये आपने लगातार कराई है। हम सब खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं, खुशी के जो हार्मोन पैदा होते हैं जो मेडिकल साइंस कहती है वो हार्मोन आपकी बहुत बीमारियों को खत्म करते हैं, हार्मोन के तो नाम भी हैं मेडिकल साइंस में। हम दीदी से जरूर कहेंगे कि उन क्लासेस में थोड़े से अपने टिप जरूर बताई है। शरीर के विटामिन तो हम लोग बहुत ले रहे हैं, कोरोना में लेने की आदत पड़ गई बट मन के विटामिन दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, बताएंगी भी कि कैसे उन विटामिन को लेकर के हम अपने जीवन को खुशनुमा जीवन बनाएं और सब कुछ करते हुए चैलेंज करते हुए भी एक अलग एहसास ना हो और वो खुशनुमा जीवन चलता रहे। दीदी जोरदार तालियों के साथ में हम अपनी इस क्लास के लिए दीदी को इनवाइट करेंगे। ओम शांति। आप सभी महान आत्माएं प्यार से बोलेंगे ओम शांति, खुशी से बोलिएगा, खुशी से बोलिएगा ओम, आपस में खुशी से बोलेगा ओम शांति। खुशी है ना, सतगुरुवार का दिन है, कितना ना ये स्पेशल दिन है, हर रोज परमात्म परवरिश में पलने का ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सभी ब्राह्मणों को मिला है। तो आप सभी महानात्माओं से अनुरोध है कि सभी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में बैठ जाएं। मैं महान आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं, महान सो मेहमान, मैं डबल लाइट फरिश्ता, शरीर से बाहर निकल प्यार के उड़न कटोले में बैठकर उड़ते उड़ते मधुबन के आंगन में पहुंचा। पवित्र फरिश्ता मधुबन के आंगन में चलते हुए बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मेरे कदम हिस्ट्री हॉल की तरफ जा रहे हैं, बहुत सुकून का अनुभव हो रहा है। मैं डबल लाइट फरिश्ता मधुबन के आंगन से होते हुए हिस्ट्री हॉल में प्रवेश कर रही हूँ। दिव्य बुद्धि से देखेंगे
कैसे हजार भुजा वाला बाबा, विश्व के आदि पिता ब्रह्मा बाप, बदन में बैठे हैं। स्वर्णिम लाल प्रकाश की उस दुनिया से महाज्योति का अवतरण वतन में ब्रह्मा के तन में हो रहा है। मधुबन के हिस्ट्री हॉल में बैठ मैं देख रही हूँ कैसे प्यार का सागर शिव बाबा ब्रह्मा के बुरकुटी में चमकते हुए बाप दादा का अवतरण इस धरा पर हिस्ट्री हॉल में हो रहा है। मैं महान फरिश्ता बाबा के प्यार के गोदी में मधुबन में बैठी हूँ। स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। मैं महान आत्मा परमात्म महावाक्य सुनने के लिए बैठी हूँ और बाबा कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, महसूस करिए अपने भाग्य को। मधुबन में भगवान स्वयं कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा। तो सभी ने महसूस किया, कौन कौन मधुबन में गए, मुस्कुराते हुए हाथ दिलाना गए, तो कहाँ बैठकर मुरली सुनेंगे। वैसे भी तपोवन है, वैसे भी मधुबन के हिस्ट्री हॉल में स्वयं भगवान मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मेरा मीठा बच्चा, महसूस किया, पर्सनल प्यार दिया है। दो तीस तो डेट में भी कितना अच्छा है, तो क्या करेंगे, क्या 23 बार कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर 23 बार कौन सी प्रैक्टिस करेंगे। हर एक डेट में नवीनता होनी चाहिए, हमारे पुरुषार्थ में भी है ना। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है। क्या है तुम्हारा फर्ज? एक दो को बाप और वर्से की याद दिलाकर सावधान करना। क्या करना है? एक दो को बाप और वर्से की याद दिलाकर सावधान करना, इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। बाप और वर्षा दोनों को याद दिलाओ, तो इसमें ही क्या है, कल्याण समाया हुआ है। क्वेश्चन, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? बाबा पूछ रहे हैं, बताएं बच्चे, किस एक गुह्य राज को तुम समझते हो लेकिन साइंस नहीं समझती, वो क्या है, बोलिए क्या है वो। बाबा कहते, तुम समझते हो आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है। क्या समझते हो? आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है। तो अभी जो है मॉडर्न साइंस यही कहता है, एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट व्हाट लाइफ इज, एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट व्हाट मैटर एंड क्रिएशन इज, एवरीथिंग दैट यू नो अबाउट गैलेक्सीज एंड stars, nothing but just one energy which manifests itself in million ways. इसका मतलब यही है कि मैं एक एनर्जी हूँ। अभी साइंस प्रूव कर रही है जो बाबा ने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो बाबा कहते, तुम कौन हो? आत्मा अति सूक्ष्म स्टार। बोलो सभी कौन है? स्टार। कौन है? स्टार। एक दूसरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तुम बहुत अच्छी स्टार हो। बोलो एक दूसरे को, क्या बोलेंगे? हाँ, थोड़ा खुशी से बोलेंगे, है ना, भाई नहीं बोलेंगे एक दूसरे को। हाँ, तो तुम अति सूक्ष्म
स्टार, उसमें सब संस्कार भरे हुए हैं। क्या कह रहे बाबा? इसमें सभी संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है। क्या है? जैसे मैं स्टार हूँ वैसे परमात्मा भी स्टार। तो बाबा कहते इसमें सारी नॉलेज है, सिर्फ दो बातें, मैं भी स्टार परमात्मा भी स्टार। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। क्या कह रहे बाबा? मैं बीज रूप हूँ। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। कौन सा गुह्य राज? मैं भी स्टार और परमात्मा भी स्टार। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकती। तो आप सभी बुद्धिवान हो गए, साइंटिस्ट से भी आगे हो। हो ऐसा है? हो, मुस्कुराते नहीं हो? देखो इतनी अच्छी दादी मिली आपको है, सभी समझदार है। तो बाबा कहते तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देना है। गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। प्यार से बोलिएगा। बाप बच्चों प्रति कहे, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। फिर परम धाम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम। स्वदर्शन चक्रधारी भव। तो स्वदर्शन चक्र घुमाया घुमाया। तो बाबा कहते बाप ने बच्चों को सावधानी दी है, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। चढ़ा नशा? चढ़ा किस किस को नशा चढ़ा? पक्का? जैसे हमेशा दादी जानकी जो है ना बाबा के सामने बैठते थे और बाबा जैसे बोलते जाए दादी के, वाह बाबा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे मैंने प्रकाशमणि दादी को भी देखा है, ऐसे करती थी, ऐसा करती थी, कितना अच्छा है मुरली, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते बच्चे, बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? नशा। अब नशा करता है कोई दुनिया में भी होगा, रोड पर क्या बोलेगा? नशा करता है रोड पर है, उसको पूछो तुम कहाँ हो भाई, क्या बोलेगा? हाँ देखो भाई कह रहा है स्वर्ग में, देखो बात भी करके आ गया भाई है? तो कहने का भाव क्या है? नशा करता है तो क्या समझता है? मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो दूसरी जगह पर। तो हमें वो नशा नहीं करना है। कौन से नशे में रहना है बोलिए? कौन सा नशा? नारायणी नशा। कौन सा नशा? अच्छा कौन कौन नारायण बनेंगे? सोच रहे लक्ष्मी बनेंगे। अच्छा भाई सारा दिन लक्ष्मी के पीछे दौड़ते रहेंगे। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। कौन कौन महालक्ष्मी बनेंगे? हाँ अभी दूसरा प्रोग्राम होगा। हाँ कौन कौन महाराजा बनेंगे? देखो अब देखो एक दूसरे को, मैं नारायण की आत्मा नारायण की आत्मा को देख रही हूँ, ऐसे देखो एक दूसरे को। मैं लक्ष्मी की आत्मा लक्ष्मी को देख रही हूँ। भाई भी ऐसे आपस में देखो, देख सकते हो? देखो सारा दिन जब भी कोई मिले ऐसे महान स्थिति में मिलना तो अच्छा लगेगा आपको भी। तो बाबा कहते बच्चे स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। क्या करना है? हाँ अच्छे से बोलो मुस्कुराते हुए खुशी से। हाँ जी बापू बोलो। हाँ अच्छे से नहीं बोलते, बोलो हाँ जी बापू। हम क्या करेंगे? सारा दिन सावधान करेंगे। किस में?
तो मेरी बात सुनना, ऐसा नहीं है, किसमें सावधान करना है, बाप और वर्षा। तो बाबा कहते जैसे आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हो आपस में मिलते हो तो? नमस्ते करते हो ना, आपस में मिलते हो तो क्या करते हो, नमस्ते करते हो। परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। तो बाबा कहते कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। कौन से अक्षर में? हाँ, खुशी खुशी से बोलिए, कौन सा अक्षर? स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते बच्चे बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तीन बातें, बाप, मर्तबा और तीसरा चक्र का भी परिचय। एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। बाबा कहते घड़ी घड़ी एक दो को आप और वर्षे को याद करते रहो। बोलो एक दूसरे को, बोलो बोलो बोलो, भाई भी बोले एक दूसरे को, बोले नहीं बोल रहे हैं, दूसरी बातें तो बहुत करते हैं, ये वाली बातें करो। क्या कहेंगे एक दूसरे को? हाँ, थोड़ा हिला के बोलो, कोई सो रहे तो उठा दो। हाँ बोलो भाई, बाप और वर्षे को याद करना। हाँ, किसी का फोन आएगा क्या बोलेंगे? बाप और वर्षे को याद करना बोलेंगे, बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, पूछ रहे बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी हो तो अशरीरी समझो, बैठ जाओ बिना देह के, वेटलेस। बन गए अशरीरी, बिना देह के बैठना। तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी बाप को याद करते हो, पूछ रहे बाबा करते हो। याद अर्थात योग, याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। अभी तो पुरुषार्थी है, अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ है। अभी मुस्कुरा रहे हो, कोई आपको कहेगा बेसमझ हो तो लड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बेसमझ हो। हाँ हाँ बाबा, हम बेसमझ। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जब देवताएं आदि की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन ही नहीं है, तुमको समझाना है। क्या समझाना है? हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। बैठ जाओ देवता स्वरूप में। तो अपना देवता स्वरूप देखा, जैसे ब्रह्मा बाबा अकेले अकेले नाच रहे थे हिस्ट्री हॉल में, तो दादी जानकी गई, दादी जानकी ने पूछा बाबा आप अकेले नाच रहे हो? बाबा ने कहा हाँ बच्ची, मैं मिचनू बनूंगा। क्या बोला बाबा ने? मैं मिचनू, मिचनू माना श्री कृष्ण बनूंगा। क्या बनूंगा? हाँ, ऐसे बाबा को अपना संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता था। ऐसे आपने अपना संपूर्ण रूप देखा कि ये शरीर छोड़ मुझे उस शरीर में जाना है, देखा? हाँ देखो, फिर से दिखाई देता है। तो इतना योग अच्छा होगा उतना दिखाई देगा क्लैरिटी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब देवता आदि की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। हम सबकी बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। किसको जानना है?
परमात्मा को। अभी तो बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप है ही नहीं। तो पहले पहले मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का वेद और ज्ञान बताना। बोलो हाँ जी बापू, हम सबको बताएंगे। बोलो अच्छे से, बोलिए खुशी से, बोलिए। क्या बोलेंगे? हाँ जी बापू, हाँ जी पप्पा। क्या करेंगे? सबको क्या करेंगे? वेद बताएंगे, है ना। बाबा कौन है? पप्पा है आपके, हाँ पिताजी है। तो दिल से बोलना है, रोज मुख से बोलने की बात नहीं है, आज तो मुख से बोल रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मा ही सुनती है ना। अब पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। पतित दुनिया है ना, कैसी दुनिया है ये? पतित। परमात्मा तो पतित नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है। किसको जानना है? आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। बोलो एक दूसरे को, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो। बोलो बोलो तो सही। बोलेंगे क्या? कोई भी मिलेगा घर में भी आज क्या कहेंगे एक दूसरे को? बहुत अच्छी आत्मा है ना। तो इसलिए मुरली क्लास क्या है? डांसिंग क्लास। क्या है मुरली क्लास? हाँ माताएं घर में भूल के आ जाना कल से, मुरली क्लास में नहीं। कहाँ जा रहे हो? डांस, डांसिंग क्लास में। बोलेंगे ये कौन सा डांस है? बोलो मन का डांस है, है? तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही सुनती है ना, आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, समझ गए? तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का रूप क्या है? बोलो बोलिए बोली, आत्मा का रूप क्या है? मुस्कुराते हुए नहीं बोलते हो, दादी इतनी मीठी मीठी दादी मिली, इतना मीठा मीठा बाबा मिला, फिर भी मुस्कुराते नहीं हो। बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म है। कहते चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझना पड़े ना, आत्मा का रूप क्या करना पड़े? समझना पड़े। तो बाबा कहते आत्मा का रूप है जीरो। क्या है आत्मा का रूप? जीरो माना बिंदी। इस पर विचार करना चाहिए आत्मा कितना सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? बोलो कैसे निकलती है? बोलिए महान आत्माएं कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? बोलिए कहाँ से निकलती है? अच्छा भाई बोल रहे पैर से निकलती है। आप लोग क्या बोलेंगे? माताएं कहाँ से निकलती है आत्मा? हाँ कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती है, और कोई क्या कहता है? बाबा क्या कह रहा है? और कौन क्या कहता है? आंखों से निकलती है, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना शरीर के, शरीर में कितने दरवाजे हैं, कहीं से भी आत्मा निकल जाती है। परंतु आत्मा है क्या चीज? बाबा पूछ रहे हैं आत्मा क्या चीज है, ये जानना बड़ा वंडरफुल है। क्या है? बड़ा वंडरफुल है। क्या बनना है? मुरली सुनते सुनते बच्चे बन जाओ, जैसे पप्पा मम्मी की बातचीत हो रही है बच्चों के साथ। इसलिए क्या कहते हैं, चप्पल छोड़ के अंदर आ जाओ। क्या कहना? शरीर को बाहर ही छोड़ दो, बिंदु बन के बैठ जाओ पप्पा के सामने। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है, ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। आत्मा निकलती कैसे है इसके बारे में, लेकिन आत्मा कैसे? बाबा कहते आती है, पहले पहले तो मालूम होना चाहिए आत्मा क्या चीज है, कितनी छोटी सी आत्मा है और 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बोलो मेरी आत्मा बहुत अच्छी है। क्या बोलेंगे? मेरी आत्मा बहुत अच्छी है ना। कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? शरीर यहाँ बैठा है, आत्मा कहाँ है? यहाँ। कभी इधर देखा है यहाँ क्या क्या चलता रहता है? कुछ नहीं करो, क्या करो? देखो क्या हो रहा है। सर योग नहीं लगता है? कोई बात नहीं, बस देखते रहो। देखना तो ठीक है ना, यहाँ क्या हो रहा है, बस देखना शुरू करो क्या हो रहा है। देखो कैसे मन शांत हो जाता है ना, सिर्फ देखना है।
बाबा तू कितनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें मोस्ट वंडरफुल है। माता है, बोलो इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो, ये बातें कैसी है? मोस्ट वंडरफुल। आज किसी का फोन आएगा क्या बोलेंगे? तुमको पता है मोस्ट वंडरफुल बातें बाबा मुझे बताते हैं। क्या बताएंगे? जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो बोलो क्या बोलेंगे? मोस्ट वंडरफुल बातें। आत्मा है बरोबर स्टार मॉर्फिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई देता है ना? एरोप्लेन ऊपर है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी कैसे दिखाई देता है? छोटी छोटी। तो बाबा कहते हैं आत्मा बड़ी नहीं होती है बच्चे, उनको तो एक ही रूप है। तो बाबा को जानना चाहिए ना? बोलो हाँ जी बापू, बोलो बोलो। अच्छे से नहीं बोलते हो, खुशी खुशी से। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ जी पापा, हाँ जी पिताजी। जैसे दादी जान की कहती हाँ जी पापा, बहुत अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते थे ये डांसिंग गर्ल अच्छी है, मेरे सामने बैठी है। तो आप सभी कौन है? हाँ डांस कैसे करना है? ऐसे ही डांस करो, कुछ है ही नहीं, पता नहीं तो पता नहीं क्या डांस करके गई है ना। देखो एक दूसरे का चेहरा ऐसा है, देखो आए थे कैसा था, अभी कैसा है? अलग है, अलग है या वही है? अलग है। तो आत्मा को देखना है, चेहरा माना आत्मा को देखो, एक दूसरे के आत्मा को देखो जरा, कौन सी आत्मा बैठी है। हाँ अच्छा लगेगा है ना। तो बाबा कहते बच्चे आत्मा बड़ी नहीं होती, पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए ना। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ? बल कोई कोई को साक्षात्कार होते हैं, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है ही एक, ये बड़ा वंडर है। बोलो हाँ जी पप्पा, बहुत वंडरफुल बातें सुनाते हो। बोला दिल से बोल देना, क्या बोलेंगे? हाँ जी बापू, आप बहुत अच्छी हो, बहुत मीठा हो। बोलो बहुत मीठे हो, गुरुवार है, भोग है, वो भी मीठा मिलता है। बाबा कहते बच्चे परमात्मा का रूप का किसको पता नहीं है, वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा। बल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट में और संस्कारों में भेद है। समझ गए? पार्ट में और संस्कारों में। बाप समझाते हैं, पता है मेरे में क्या संस्कार है? हाँ बोल, बोलिए बोलिए, पता है? हाँ बोलिए या ना बोलिए? भाई आप लोग तपोवन में हाँ कैसे बोलते हो, ऐसे या ऐसे ऐसे? हाँ या ऐसा ऐसा, हाँ भी ना भी सब? हाँ क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो? बाप समझाते हैं तुम आत्माओं में क्या संस्कार है, बोलो क्या संस्कार है? बाबा कहते मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है, बाबा भी हमारी भाषा बोल रहे हैं, घोटाला बहुत करते हो है ना। तो अभी मुस्कुरा रहे हो, देखो देखो एक दूसरे को, क्या करते हो? घोटाला करते रहते हो। जानना बहुत जरूरी है, परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। माताएं बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, क्या है जगत अम्बा? कौन है? गॉडेस ऑफ नॉलेज। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलिए गॉडेस ऑफ नॉलेज। जो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज थी ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ क्या कह देते हैं? गॉडेस ऑफ नॉलेज। बोलिए माताएं क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ नॉलेज। आप अपने पोते को पूछना सरस्वती का नाम पता है तुम्हें? गॉडेस ऑफ नॉलेज। वो कहेगा पता नहीं क्या सीख क्या ये माता। तो बाबा कहते हैं अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए ना। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज ये नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है। बोलो एक दूसरे को, मेरा बापू नॉलेजफुल है। बोलिए एक दूसरे को। हाँ कभी ऐसी बातें करते हो? नहीं करते हो भाई, करिए एक दूसरे से, क्या कहेंगे? मेरा बापू कौन है? हाँ थोड़ा हिला के बोलना, पता है मेरा बापू कौन है? नॉलेजफुल। ऐसी बातें नहीं करते हो, यही करते हो भाई, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है, तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनी, बस यही।
तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बाबा कहते हैं हम समझाते हैं बाकी गॉड का रूप क्या है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया, एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं बाकी लिखने के लिए तो संजय निमित है। कौन है निमित? संजय कौन है? जगदीश भाई जी। कौन है? हाँ माताएं बोलो, देखा है जगदीश भाई को? हाथ उठाओ, किसने देखा है? फोटो में नहीं देखा? हाँ तो फिर ऐसे से करो, मुस्कुराते हुए करना, जो भी काम करना कैसे करना, हाँ जो भी काम करना कैसे करना, अच्छा गुस्सा भी कैसे करना, अच्छा अच्छा किसको गुस्सा कभी नहीं आता? हाथ उठाओ, कभी नहीं आता है, कभी है ही नहीं, एक है एक दो उसको भी पता नहीं है। चलो अभी आप खुश हो या नहीं हो बोलो, खुश हो या नहीं हो? खुश हो तो ऐसे से हिलाओ, अच्छा सब खुश है। अच्छा एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करो, करो हाँ, देखा अभी नहीं कर रहे हो। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया, एक की नंबर वन मुख्य एक्टर है कौन, कौन किसके बारे में बाबा बता रहे हैं? जगदीश भाई जी। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। कौन किसके बारे में बोल रहे हैं बोलिए माता है? हाँ, परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना पड़ता है, जगदीश भाई जी के साथ हमारा भी बहुत अच्छा अनुभव है, हा? तो ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए। हाँ कलप पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है ना, तो आप सभी कौन है? अर्जुन। कौन है आप सभी? अर्जुन कौन है? जो ज्ञान को अर्जित करता है। तो आप सभी ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, तो बोलो आप बहुत अच्छे अर्जुन हो, बोलो एक दूसरे को बोलिए। ओ खुशी खुशी से नहीं बोलते हो, रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा तब। हाँ तो बाबा ने समझाया है, अर्जुन तुम बच्चे हर एक बात का अर्थ समझाते हो, पहले पहले आत्मा और परमात्मा को समझाना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है ये कोई साइंस दान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं, आत्मा तो स्टार है ना। अच्छा बताओ परमात्मा का रूप क्या है बोलिए बच्चे, क्या है? वो भी परमात्मा है, फर्क नहीं है ना। ये जो महिमा गाते हो ना, हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं नॉलेजफुल हूँ। क्या कह रहे बाबा? मैं कौन हूँ? नॉलेजफुल। एक दूसरे को बोलो मेरे पिताजी बहुत नॉलेजफुल है, बोलिए। हाँ आज सारा दिन यही बात करना, दूसरी बातें नहीं है? तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ आत्मा में नॉलेज है, बाकी कोई दीवानी है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की। सो तुम सब तब सबको नॉलेज मिल रही है, बाबा में नॉलेज है वो भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है, समझ रहे हैं? देखो बाबा अपना परिचय कैसे दे रहे हैं, उनको नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली बोलिए बच्चे, कब मिली नॉलेज? सरस्वती किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है? हा? ये कोई जानते नहीं, दिल में आना चाहिए, उनको कैसे समझाए बाप परमात्मा कौन है वो भी समझाना है कि वो स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बोलो एक दूसरे को मेरा बापू बीज रूप है, पता है? बोलो खुशी खुशी से नहीं बोलते वो। हाँ बोलिए बोलिए भाई, क्या बोलेंगे? कौन है आपका पप्पा? कौन है आपके पिताजी? कौन है? बीज रूप नशा चढ़ा, अगर नरेंद्र मोदी जी आपके पप्पा होते तो हाँ पता है मेरा बापू कौन है, ऐसे मेरा बापू कौन है? तो बाबा कहते बेहद का बाप है, वो सत्य है, चैतन्य है, सच्चे नॉलेज है उनमें, उनको ट्रूथ कहा जाता है। माताएं बोली इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रूथ। कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं, रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। जाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है ना बच्चे, ये चैतन्य होता है, बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ, आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती, जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा है, फिर उसकी महिमा सबसे ऊंचा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मनुष्य ही उनको याद करते हैं,
ये तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, चले जाओ ऊपर। तो जाके आए ना परम धाम। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा समझती है, ये तो मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है और तुम अभी देही अभिमानी बन रहे हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो तुम जानते हो, वो भी कहा जाता है हम उनकी संतान हैं। बोलिए एक दूसरे को, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बोलिए हाँ, ऐसे नशे से नहीं बोलते हो, नशे से बोली कौन है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल ब्लिसफुल। मेरा पापा कैसा है, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल। ब्लिसफुल माना आनंद का सागर। कौन है मेरा पापा? हाँ, तो आड़ा आनंद से तो बोलो, उबासी खाते हुए आनंद का सागर नहीं बोलना। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए एक दूसरे को क्या कहेंगे, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा दी गई है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है ना। तो देखो कौन सा करोड़पति बैठा है आपके बाजू में, देखो वर्षा मिला, करोड़ मिला या लाख मिला या पदम मिला, किस किस को पदम मिला हाथ उठाए। अच्छा किसको लाख मिला, ये फ्रंट लाइन, किस हजार मिला क्या नहीं। अच्छा तो क्या कहते हैं बाबा, महिमा दी गई है, उन्होंने कोई समय पर आकर वर्षा दिया है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, शास्त्रों में दिखाते हैं अंगुष्ठ मिसल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हम कहते हैं वो ज्योतिर्बिंदु है, चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया, बोलो वो तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाए, तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, तो एक बिंदी है फिर उनकी पूजा कैसे होगी, है ना। तो इसलिए उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे, बिंदी पे दूध कैसे चढ़ाएंगे, पूजा के लिए रूप बनाया है। बाकी समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। तो बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो बाबा कहते बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावे, जहां ये ऑर्गन्स ना हो, आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। ये कैसे समझाए, आत्मा कहां से आती है, बोलिए आत्मा कहां से आती है, आत्मा कहां से आती है, धाम। तो बाबा कहते चीज कितनी सूक्ष्म है, उसमें सारे संस्कार भरे हुए हैं, इतना ही इसी आत्मा और सारे संस्कार, एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हर एक बात को अच्छी तरह समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हो, ये किसकी बच्ची है, बोलिए किसकी बच्ची है। हाँ, इस समय तुमको तो गॉडेस कह न सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। कौन है सरस्वती, तो जरूर वो भी गॉडेस, गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा, ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा का भी नाम है, इस समय तुम भी ब्राह्मण हो, कौन हो तुम इस समय, ब्राह्मण। तो बाबा कहते बच्चे ये तमो प्रदान शरीर है, बलात्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता। बाप और वर्षे को याद करते हो, बैठ जाओ कमलासन पर, सबको पवित्रता का दान दो। तो सभी को दान दिया आप, तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाले बनो। क्या बनो, नींद को जीतने वाले। देखो कोई सो रहा है तो उठा दो, बाजू में भी मुरली सुनते नींद अच्छी आती है, नहीं। बाप कहते हैं बाप को याद करते करते रहो, बहुत कमाई है, क्यों करना है,
बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती ना बच्चे, पहले स्थूल काम भी करना पड़े इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते रात को जाकर बाबा को, बाबा से बात करो, ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। बोलो बाबा हम डुबकी लगाएंगे। बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे? मीठा बाबा। बोलिए मीठा बाबा हम डुबकी लगाएंगे। कहाँ कहाँ डुबकी लगाओगे? गंगा में। एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसी डुबकी मारने से क्या कहते हैं, विचार सागर मंथन करना है। तो कहाँ कहाँ से निकल आती है बहुत पॉइंट्स, इसको कहा जाता है रात को विचार सागर मंथन करना। बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको समझाना है, बाप ज्ञान का सागर है उनसे वर्षा मिलना है, है ना? क्या कहेंगे एक दूसरे को? मेरे पापा बहुत वर्षा दे रहे। बोलिए एक दूसरे को। हाँ क्या बोलेंगे? मेरे पापा क्या कर रहे हैं? बहुत वर्षा दे रहे हैं। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिले? आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था, उनको जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को कैसे वर्षा मिलेगा? कलयुग से सतयुग होने में देरी नहीं लगती, रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ ऐरनेज दुखधाम और कहाँ वो सुखधाम। चले जाओ सुखधाम में राधे कृष्ण के साथ रास करके आओ, महलों में पुष्पक विमान में चल के बाबा के साथ साथ उड़ के आओ। गए सतयुग में? कौन कौन सतयुग में गए हाथ उठाना? अच्छा कौन कौन यही थे वो हाथ उठाओ। सब चले गए, वाह क्या बात है, सब मुबारक हो। अच्छा कौन कृष्ण के साथ खेल कर आया हाथ उठाओ। अच्छा देखो इतने सारे कृष्ण के साथ, और कौन कौन राधा के साथ खेल कर आए। अच्छा कौन कौन दोनों के साथ मिलके आए। अच्छा किस किस ने दूसरों का महल देखा हाथ उठाओ। खुद का छोड़ के दूसरों का देख के आ गए वो हाथ उठाओ। अच्छा तो बाबा कहते बाप ने आकर नॉलेज दी है। हाँ तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सरस्वती क्या करती थी? हाँ अब गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। उनको सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर नर से नारायण बनाया। बोलो एक दूसरे को हम क्या बनेंगे? हाँ बोलो थोड़ा खुशी खुशी से बोलो क्या बनेंगे। हाँ एक दूसरे को सुनाओ क्या बनना चाहते हो। हाँ ठीक है, तो बाबा कहते हैं सरस्वती भी भृक वंशावली है, बड़ी युक्ति से ऑक्यूपेशन बताना है। बाबा ने कहा है बच्चे परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा मुख वंशावली रची, पहले पहले नॉलेज किसको दी? बोलिए किसको दी? कब कहते हैं कलश सरस्वती को दिया। कलश किसको दिया? सरस्वती। बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है, एक इसको पता ही नहीं है ना। ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश देते हैं, तो जरूर ब्रह्मा भी बहुत ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वो भी वेद शास्त्रों का बाबा कहते सार ही बताते हैं ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। अच्छा बच्चे बोलो ब्रह्मा कहाँ से आया? बोलो अभी ब्रह्मा कहाँ से आया? ये रथ कहाँ से निकला? बोलिए कहाँ से निकला? बाबा कहते कोई नहीं जानता। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? कि ब्रह्मा का रथ कहाँ से आया। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना? धारणा के लिए मुख्य सार, रात को जागकर क्या करना याद करिए, मुरली में क्या था? रात को जागकर क्या करना है? ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। क्या करना है? कब? हाँ ज्ञान सागर में
ज्ञान सागर में क्या करना, हाँ डुबकी लगाना, जाके वहां मत चले जाना गंगा में। बाप को याद करते नींद को जीतने वाले बनना है और सदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्से की याद दिलाते, एक दो को सावधानी कर उन्नति को पाना है, वरदान। तो बाबा कहते स्वयं को संगम युगी समझ। क्या समझेंगे स्वयं को? खुशी से नहीं बोलते हो, बोलिए बोलिए खुशी से बोलिए, क्या है? स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? स्वयं को क्या समझो? संगम युगी। तब क्या कौन सी पावर आएगी व्यर्थ को समर्थ करने? तो जो परिवर्तन करेंगे कौन बन गए? समर्थ आत्मा। सभी अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में बैठ जाएं। मधुबन में हिस्ट्री हॉल में महान आत्मा इन कानों से परमात्म हवा और बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही हूँ। दिव्य बुद्धि से देखेंगे कैसे स्वयं भगवान मेरे समक्ष बैठे हैं। विश्व के आदि पिता ब्रह्मा बाप के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं, प्यार का सागर महसूस करेंगे। बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पर, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है। बाबा कह रहा है मेरा मीठा बच्चा, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। भगवान का वरदानी हस्त मेरे सर पर है, रहा है मेरा मीठा बच्चा, समर्थ आत्मा भव। मधुबन में हिस्ट्री हॉल में स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है, वह मेरा भाग्य। महसूस करें बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पर। स्वयं भगवान मधुबन में मुझे पर्सनली वरदान दे रहा है, अपने सर पर बाबा का वरदानी हस्त महसूस करो, समर्थ आत्मा भव। स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहा है। तो सभी ने वरदान लिया। हाथों तो मधुबन में कौन कौन गए ऐसे मुस्कुराते हुए, तो पर्सनली अनुभव किया कि बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो बाबा क्या कहते हैं? ये संगम युग समर्थ युग है। कौन सा युग है ये? समर्थ युग। सदा स्मृति में रखो, हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, कलयुग है व्यर्थ, कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो गया। यदि सिर्फ समय भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। क्या बनते हैं? मास्टर विधाता। को विधाता कौन बनते हैं? जो विधान पर
चलते हैं, ठीक है। ओम शांति।